नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे टुडे इस खास कार्यक्रम में। हम फिर से लौटे हैं बिहार और पटना की 20 बड़ी खबरों के साथ। छठ पूजा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने किया घाटों का निरीक्षण। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। सभी घाटों पर रहेंगे इंजीनियर और लाइनमैन तैनात। दुर्घटना से निपटने में मिलेगी मदद। बिहार कैबिनेट का फैसला, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर। स्नातक करने के बाद मिलेंगे 25,000 रुपये। सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर बिहार सरकार ने सचेत किया। अब नौकरी ज्वाइनिंग से पहले भी बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। पासवान कुशवाहा ने बिहार में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। कम सीटों पर चुनाव लड़ने को नहीं है तैयार। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो अधिकारी ना सुने उनकी गर्दन पकड़िए। तेजस्वी आज दिल्ली में मनाएंगे जन्मदिन। तेज प्रताप भी हो सकते हैं शामिल। तेजस्वी के सृजन घोटाले के आरोप पर बोले नीतीश, इन्हें तो एबीसी तक नहीं पता। तेज प्रताप यादव ने मचाया हड़कंप, बोले राजद में गुंडे और मवाली भरे पड़े हैं। बेहद तनाव से गुजर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं काउंसलिंग, नहीं आ रही नींद। लालू परिवार पर संकट बरकरार। तेज प्रताप बोले ऐश्वर्या का जो भी देगा साथ उससे बना लूंगा दूरी। बिहार में साइबर क्राइम व सोशल मीडिया यूनिट के लिए खरीदी जा रही है 6.29 करोड़ रुपये की गाड़ियाँ। महिला सिपाहियों ने पुलिस लाइन के डीएसपी पर दुर्व्यवहार और शोषण के लगाए आरोप। डीएसपी कहते थे केबिन में आओगी तो जितनी कहोगी उतने दिन की छुट्टी देंगे। गोपालगंज में थाने में तैनात दरोगा का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल, निलंबित। मशहूर लोक गायक सुनील छैला बिहारी के घर हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। अपराधियों ने कई चक्र गोलियां भी चलाई। बिहार में डेंगू का कहर जारी। मरीजों की संख्या 1526 तक पहुंची। पीएमसीएच में भी बढ़ा डेंगू मरीजों का लोड। गैर व्यावसायिक ब्लड बैंक नहीं होने से परेशानी। पटना की हवा दिल्ली जैसी खतरनाक। बढ़े प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी व फेफड़े में हो रहे इन्फेक्शन का खतरा। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 5 बच्चों की मौत, 6 घायलों में से 2 की हालत गंभीर। दिल्ली से बिहार जा रही बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़े हादसे का शिकार, 45 जख्मी। बिहार में दबंगई कायम। वैशाली में दिवाली की पूजा कराने में लेट हो गए पंडित जी, यजमान ने मारी गोली। छठ पूजा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने किया घाटों का निरीक्षण। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। ये थे हमारे आज बिहार पटना की 20 बड़ी खबरें। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगर आप चाहें तो हमारे टुडेज ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम फिर कल हाजिर होंगे 20 बड़ी खबरों के साथ। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज़।